नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे बनता है ओलन। इसे बनाने के लिए चाहिए उबले चौले, राई, सूखी लाल मिर्च, प्याज, नारियल का दूध, करी पत्ता, खीरा, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लहसुन, जीरा, नारियल, अदरक, और ये पेस्ट बना है हल्दी, अदरक, जीरा और नारियल का। सबसे पहले पैन को गैस पर रख दें, पैन को गर्म होने दें, पैन में थोड़ा तेल डालें, एक बड़ा चम्मच राई डालें, थोड़ी लाल मिर्च, अब थोड़ा करी पत्ता, इसमें डालें छोटे प्याज, अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, अदरक, जीरा, नारियल पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो पैन में डालेंगे। अब इस पेस्ट में पानी डालेंगे जिसमें कि इसमें गहरावट बराबर हो जाए। इसके बाद डालेंगे कटे हुए खीरे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। जब तक खीरा पक ना जाए इसे पकने दें, ये 10 मिनट में पक जाएगा। 10 मिनट बाद इसमें डालेंगे उबले चौले। अब इसमें डालेंगे नारियल का दूध। इसे 5 मिनट तक छोड़ दें, ये अच्छे से पक चुका है। आपका ओलन तैयार है। अब इसमें थोड़ा नमक और डालें स्वाद अनुसार। गैस बंद कर दें। ओलन तैयार है। अब इसे देखेंगे इसे परोसेंगे कैसे। इसे सजाने के लिए हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। आपका चटपटा मजेदार ओलन तैयार है। आप भी बनाइए और मजे से खाइए।